जापान की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं उसका विश्व मानचित्र पर स्थान कहाँ है। तो एशिया महाद्वीप में आने वाला यह देश एशिया के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके साथ ही अगर अपने देश प्यारे देश भारत से इसकी स्थिति देखें तो वह पूर्व दिशा में आता है। इसके साथ ही देखा जाए तो यह प्रशांत महासागर में आने वाला एक द्वीपीय देश है जो मुख्यतः चार द्वीपों से बना हुआ है। इसके चार मुख्य द्वीप है जिसमें होकेडू द्वीप, होंगशू द्वीप, सिकोकू द्वीप और क्यूशू द्वीप आते हैं। इन चारों द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप होंगशू द्वीप है जिसमें इसके प्रमुख नगर आते हैं, जिसमें जैसे इसकी राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो होंगशू द्वीप पर ही स्थित है। इसके अतिरिक्त नगोया, क्योटो, कोबे, ओसाका, फुकुशिमा, सांडाई इत्यादि जो नगर हैं, जो प्रमुख नगर हैं एवं प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, क्षेत्र हैं किसके, जापान देश के, वे सभी होंगशू द्वीप पर ही आते हैं। इसके अतिरिक्त जापान चूंकि एक रिंग ऑफ फायर में आने वाला देश है, यानी कि यह ज्वालामुखी के वलय में आने वाला क्षेत्र है, तो यहाँ इसी द्वीप पर, होंगशू द्वीप पर ही सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इसका माउंट फ्यूजी स्थित है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम से क्षतिग्रस्त होने वाला हिरोशिमा नगर भी होंगशू द्वीप पर ही आता है। इसके अतिरिक्त नागासाकी की बात करें जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा के साथ ही परमाणु बम का से क्षतिग्रस्त हुआ था, वह क्यूशू द्वीप पर आता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो जापान का सबसे छोटा द्वीप सिकोकू द्वीप है। इन चार प्रमुख द्वीपों में सबसे छोटा कौन सा है, सिकोकू द्वीप स्थित है। यह सभी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त जापान की अपने पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा है जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा नहीं है। अगर इसके पूर्व में देखा जाए तो जापान ऑफ सी, दक्षिण में ईस्ट चाइना सी और फिलीपींस सी एवं इसके उत्तर में ओखोटस्क सागर स्थित है। एवं इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चाइना और इसके उत्तर में हम देखते हैं रूस। रूस इसके उत्तर में स्थित एक देश है। तो ये थी छोटी सी जानकारी एक भौगोलिक स्थिति किसकी, जापान की। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार की